शिवार्चन कैसे करना चाहिए उसका पूरा विधान शिव पुराण में है। तो शिवलिंग की पूजा सबसे श्रेष्ठ है, निष्कल स्वरूप की पूजा सबसे श्रेष्ठ है शिव पुराण के अनुसार। और उसमें भी एक उसका विधान है, वेदिका पहले रखी जाती है गर्भगृह में और फिर शिवलिंग को ऊपर से उतारा जाता है, फिर स्थिर किया जाता है, विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, फिर पूजन होता है, बहता हुआ जल उत्तर की ओर ही जाना चाहिए। तो पूर्व में द्वार होता है, कई जगह पश्चिम में भी होता है, दोनों ठीक है, पूर्वाभिमुख हो पश्चिमाभिमुख हो, लेकिन जलधारी नहीं बदलेगी, वो तो उत्तर की ओर ही होनी चाहिए, बहते हुए जल उत्तर की ओर ही जाना चाहिए। तो उत्तर में वहां बैठ नहीं सकते क्योंकि वहां से तो जल जा रहा है, अभिषेक का जल उत्तर की ओर जा रहा है, तो शंकर के पूर्व भाग में नहीं बैठना चाहिए, देव की दृष्टि में व्यवधान होता है। और वहां बिल्कुल ठीक पूर्व में सामने नंदी बैठा है, नंदी की दृष्टि में भी व्यवधान होता है, नंदी को शिव और शिव जी के ठीक पार्श्व में बैठी हुई पार्वती, दोनों का दर्शन होते रहना चाहिए। आपका मुख उत्तर की ओर रहे, आप शिव जी के दक्षिण में बैठे हों, दूसरे लोग जो दर्शन करने आ रहे हैं पूजा के लिए आ रहे हैं उनको भी व्यवधान न हो, भोले बाबा की दृष्टि में भी व्यवधान न हो, भोले बाबा की पीठ वे पार्श्व में भी हम न बैठे और हमारी पीठ पराम्बा भगवती को भी हम न दिखाएं। तो शिवलिंग के दक्षिण भाग में बैठकर और उत्तराभिमुख बैठकर मुंह को उत्तर दिशा में रखकर बैठना चाहिए और भोले बाबा की पूजा करना चाहिए, ये विधान है।